तो चलिए दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के बाद हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने साल भर रगड़ के तैयारी की, हमने इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करा, तो क्या वो कंटेंट हमारे लिए यूज़फुल रहा? मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इस पूरी प्लेलिस्ट को बहुत आराम से, शांति से बैठ के देखोगे। इस पूरी प्लेलिस्ट में मैं आपके साथ जितने भी क्वेश्चंस को शेयर कर रहा हूँ, इसका पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा के आंसर याद करवा दूं, रटवा दूं। ये तो बेवकूफ़ी होगी, राइट? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई शिद्दत से पढ़ा रहा है तो वो जो मेहनत है वो सफल ज़रूर होती है, और आपको ये दिखाना ज़रूरी है ताकि आपको एक ट्रस्ट डेवलप हो पाए। डैट्स इट। तो चलिए, यहाँ पे फाइनेंस बिल पे क्वेश्चन पूछा है और मनी बिल पे क्वेश्चन पूछा है। अब इसके जितने भी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को वही एस्पिरेंट सॉल्व कर पाएगा जिसने एग्जैक्टली मनी बिल और फाइनेंस बिल के बारे में पढ़ा है। तो मैंने देखने की कोशिश की कि हमारे कंटेंट में अगर हमने मनी बिल और फाइनेंस बिल को पढ़ा था तो क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, और मैंने पाया हाँ। आप खुद से देखो। तो देखो दोस्तों, ये वीडियो है मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके कुछ और भी वीडियोस हैं, मैं सारे वीडियोस यहाँ पे आपको नहीं दिखाऊंगा। जैसे ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस है, अगर आप इसको जानना चाहते हो तो वीडियो सेक्शन में खुद से सर्च करके इसको देख सकते हो। मैं आपको एग्जैक्टली जो सिर्फ टफ चीज़ें हैं जो नहीं बनती है एस्पिरेंट से, सिर्फ और सिर्फ वही दिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि आप देख सकते हो कि ये पुराना वीडियो है, ये वीडियो उस समय पे भी उतना ही रेलिवेंट था, आज भी उतना ही रेलिवेंट है, और अगले 3 साल बाद भी उतना ही रेलिवेंट रहेगा। आपको ये बार बार देखना है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंस बिल और मनी बिल से हमारा ये क्वेश्चन बनता क्या। फाइनेंस बिल 1, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंस बिल 1 जो है इसको सेम माना जाता है मनी बिल जैसा। अभी तो मैंने बोला डिफरेंट है, आएगा डिफरेंस, मगर फाइनेंस बिल जो है 1 उसको सेम माना जाता है मनी बिल जैसा। उसको इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है, इसका मतलब, क्योंकि हम मनी बिल जब पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी बिल के बीच में डिफरेंस हमने देखा था, मनी बिल कहां इंट्रोड्यूस हो सकता है, बस सिर्फ लोकसभा में। तो बिल्कुल वैसे ही फाइनेंस बिल 1 जो है, क्योंकि ये मनी बिल जैसे कंसिडर करते हैं हम, तो इसको भी आप इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में ही कर सकते हो। मगर एक कैची चीज देखिए कि जैसे ही ये बिल लोकसभा से पास होता है, ये अपने आप एक ऑर्डिनरी बिल बन जाता है। ये इसकी स्पेशलिटी है और ये इसकी क्रूशियलिटी है, और ये इसका मेजर डिफरेंस है विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन द फाइनेंशियल बिल 1 एंड मनी बिल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इट विल बी ट्रीटेड एज मनी बिल, विल ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, बट देन द लोकसभा पासेस इट, इट विल बिकम एन ऑर्डिनरी बिल। अब आ जाती है ऑर्डिनरी बिल की प्रोसेस, कैसे चलता है ऑर्डिनरी बिल, रेफर कैसे होगा, जाएगा राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने पास करा तो ठीक, नहीं तो बिल रिजेक्ट। राज्यसभा से यहां पे जॉइंट सेशन भी हो सकता है, जैसे हमने ऑर्डिनरी बिल में पढ़ा था, राइट। उसी के बाद में राज्यसभा ने अगर पास कर दिया तो कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास फॉर हिज एसेंट। प्रेसिडेंट साहब के पास अगेन 3 चॉइसेस जो हमने ऑर्डिनरी बिल में पढ़ी थी। तो ये होता है फाइनेंस बिल। के बाद में दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो है वो ऑर्डिनरी बिल वर्सेस मनी बिल का है। अगर आपने इसको भी देखा होता तो आपको एक और एज मिल जाती बेहतर तरीके से समझने के लिए। मगर हाँ, सिर्फ 7 मिनट अगर आपने दिए होते तो 7 मिनट्स में एक क्वेश्चन आपका बन जाता। तो अब इन दोनों वीडियोस को देख के आप लोग इसका जवाब बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बुद्धि IAS एकेडमी को और करे अपने UPSC MPCS का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ।